नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ विरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूरत रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। सूरत रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य के सूरत जिले में लगता है। इस स्टेशन का कोड है ST, जिसे यूज करके यात्रीगण अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1852 में हुआ था। इस स्टेशन को वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह स्टेशन मुंबई डिवीजन में लगता है। यह एक रेगुलर टाइप का स्टेशन है, जिसका एलिवेशन 59.22 मीटर है। यह एक A1 कैटेगरी का स्टेशन है, जिनमें 4 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक है, जिनमें डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। इस स्टेशन पे 489 ट्रेन रुकती हैं, 41 ट्रेन अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं और 40 ट्रेन अपनी जर्नी समाप्त करती हैं। सूरत रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य का अहम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से भारत देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है, जैसे कि जामनगर, गांधीधाम, भुज, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू तावी, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, लखनऊ, कानपुर, दरभंगा, जबलपुर, हावड़ा, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जैसे कई प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं इस स्टेशन से जुड़ी लाइनें के बारे में, जिनमें न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन, अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन, सूरत जलगांव लाइन, अहमदाबाद चेन्नई लाइन, हावड़ा अहमदाबाद लाइन शामिल है। अब बात करते हैं इस स्टेशन से डिपार्ट होने वाले ट्रेनों के बारे में, जिनमें राजधानी के 6 ट्रेन, शताब्दी की 2 ट्रेन, गरीब रथ की 4 ट्रेन, मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन 72, एसी एक्सप्रेस ट्रेन 2, एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 11, मेमू ट्रेन 11, संपर्क क्रांति ट्रेन 4, दुरंतो ट्रेन 2, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 172, डबल डेकर ट्रेन 2, सुविधा ट्रेन 2, हम सफर ट्रेन 17, तेजस ट्रेन 2 और अंत्योदया की 2 ट्रेनें चलती हैं। इस स्टेशन से नियरेस्ट एयरपोर्ट सूरत लगता है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब बात करते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में। इस रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लगता है उतरण, जो कि 3 किलोमीटर पे है। उधना जंक्शन 4 किलोमीटर पे है। कोसा स्टेशन 7 किलोमीटर पे है। नियोल स्टेशन 11 किलोमीटर पे है और सचिन स्टेशन 14 किलोमीटर पे है। अब बात करते हैं यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में, जिनमें पार्किंग की सुविधा, टॉयलेट, सीटिंग चेयर, वेटिंग रूम, वॉइस गाइडलाइन, डिस्प्ले गाइडलाइन, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, टी स्टॉल और बाहर की साइड ATM की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।